इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 टू 2021 में दाखिले के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। पीएचडी में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बहु प्रतीक्षित घड़ी समाप्त। तो चलिए, क्या है इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अलर्ट जान लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2020 से 2021 में पीएचडी में दाखिले को मंगलवार से संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में 39 विषयों के 39 विषयों के 574 सीटों पर प्रवेश होगा। इस बार भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज़्यादा सीएमपी डिग्री कॉलेज में 204 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 172 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तय की गई है। नए सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज और ईसीसी में शोध की तय कर दी गई है। ज्ञात हो कि नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। कोरोना वायरस के चलते छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में दो दिन बाद आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। 10 मई से दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, लेकिन क्रेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी। प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 28 जुलाई यानी मंगलवार से क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सामान्य एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए ₹1600 और SC ST अभ्यर्थियों के लिए ₹800 आवेदन शुल्क तय किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल।